नमः शमय साराय श्वानोद्याचकास्ते चेष्टो वावाय सर्वभावान्तरच्छते। संहिताष्टक पूजनीय पंडित साहब की सुंदर रचना है, सुंदरतम भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, सुंदरतम रचना है। भूमिका बहुत बनाई जा सकती है, इतने दिनों में जो चर्चा चली उससे आगे कह रहे हैं। देखो पहला ही छंद चालू हो रहा है, अभी पहला छंद चालू नहीं हुआ, अब चालू हुआ है। बड़ी सुंदर पंक्ति देखी, विषय वासना से विरहित निरपेक्ष शुद्ध निश्चल स्वाधीन सहजानंदमय परमानंदमय रहे सहज आत्म में लीन मोह क्षोभ से शून्य ज्ञानमय निज परिणति समता है। साक्षात धर्म तो समता है, वो समता कैसी है? ऊपर आया ना, साक्षात धर्म तो समता है, वो कैसी है? तो ऐसी है, सुनो पहली शर्त, विषय वासना से विरहित। नंबर एक बहुत बड़ी गलती होती है, सुनना सभी लोग, बहुत कड़क बात है। यहां विषय वासना कह रहे हैं, विषयों से विरहित नहीं कह रहे। हम क्या करते हैं, हम विषयों से विरहित हो जाते हैं, ये मिथ्यात्व है। यहां विषयों की वासना से विरहित कहा है। अनंत पुरुषार्थ है विषय वासना से विरहित होने में। विषय छोड़ देना सरल है, क्या बताएं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें लड्डू इतना अच्छा लगा, मीठो इतना अच्छा लगा, हम खाएंगे ही नहीं। ले तो तुमने लड्डू तो छोड़ा, फिर से हम सुनो बेटी, लड्डू तो छोड़ा लेकिन वासना तो नहीं छोड़ी। ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, तो तुमने विषय छोड़ा, वासना कहाँ छोड़ी? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? विषय छोड़ना बहुत सरल है, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, सास बहू में झगड़ा हो जाए आज से हम बोलेंगे ही नहीं। लेकिन बोलने नहीं बोलने से कसाई कैसे मिटेगी?
वासना, समझ गए, चार पांच, तीन चार एग्जाम्पल दे दिए, हजारों दे सकती। हम ऐसी चीजें नहीं पढ़ेंगे जहां से हमारे परिणाम खराब हुआ, ठीक है मत पढ़ो। चरणानियों कह रहा है सील की नौ वार्ड पालो, और द्रव्यानियों कह रहा है सामना करो, सामना करो। यदि तुम ऐसे देखना बंद करो गेहों के गेहों को, तो करणानियों कहेगा तुम्हें केवल ज्ञानावरण का बंद होगा, तुम्हें अवधि ज्ञानावरण का बंद होगा, मन परे ज्ञानावरण का बंद होगा। करणानियों कह रहे हम नहीं देख सकते जी, वासना है हम नहीं देख सकते। सुनो, हम ज्ञाता भाव से देख सकते, अनंत पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कह रहे, पुरुषार्थ छोड़ने में क्या रखा है, जेले छोड़ दे, जेलो हटा दे, जे नहीं खाएंगे, हट जाओ। सुन रहे हो प्रथम, बोल बेटी समझो अच्छे से, फिर से ध्यान से सुनना। गुस्सा आए तो बात करना बंद करना सरल है, लेकिन ये तो वासना है, हम बातों से परेशान हो जाती हैं, हमें गुस्सा आ जाती है, हमें गुस्सा, ये वासना कहलाती है। माने बास वही कर रही है तुम्हारी मिथ्या धारणा, मिथ्या अभिप्राय, बास वही कर रही है, बास ना माने रहना। तो क्या तुम्हारा मिथ्या तुम्हें ज्यों का त्यों बास कर रहा है, हम इन्हें देखते ही गुस्सा आ जाती है, इन्हें नहीं देखेंगे तो वासना क्या रहेगी, परद्रव मुझे हैरान करता है, वहीं जैसे जितने परद्रव होंगे सब मुझे हैरान करेंगे। चरणानियोग प्राइमरी भूमिका में सील की नौवाड़ की बात करेगा, करणानियों कहेगा लेकिन तुम गेहों को जानने से गेहाक्रांत होते हो तो कर्म बंधेगी। फिर तुम ये मत कहना हमारी देखने की शक्ति नहीं रही, सुनने की शक्ति नहीं रही, समझने की शक्ति नहीं रही, पढ़ने की शक्ति नहीं रही, फिर मत कहना छियोसम ज्ञानवर्णी कर्म का उदय आएगा। हम जरा नहीं देख सकते भैया, जरा नहीं देख सकते, जरा नहीं, तीन लोग तीन काल देखना है, बोलो क्या कह रहे, अब बोलो, साधना तो इसका नाम है। हमारे सामने कोई इतो से करे तो हमसे नहीं देखो यार, गंदी भाषा है, गंदी भाषा, आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं खा सका है ना, सुनिए ना कहावत, आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकते। ये आदमी क्या बोल रहा है पता है, बिना देखे खा सका, इसका मतलब तो यही निकला ना, बिना देखे खा सकते हैं, आंखों देखे तो नहीं खा सकते। अभिप्राय की वासना, अभिप्राय की वासना, भैया तुम पीठ पीछे बुराई करो भलाई करो, हमारे सामने मत करो, हमसे नहीं सुनी जात, नहीं आपको थोड़ा अटपटी लगी मेरी बातें, सब अटपटी लगी, मैं क्या करूं, मैंने बहुत साल पहले ही प्रतिज्ञा की थी कोई देव सास गुरु का विरोध भी करे उल्टा मत लेने, में फिर कह रहा हूं हम चरणानियों की नहीं कह रहे, हम करणानियों द्रव्यानियों का पुरुषार्थ की भाषा कर रहे, पुरुषार्थ की भाषा, कोई मेरे गुरुजनों का विरोध भी करेगा तो मैं आक्रांत नहीं होऊंगा, संक्लेशित नहीं होऊंगा। ये बात मैंने मालूम कब बताई थी तुम्हें, याद है कुछ, जब ये चारों महीने परिवर्तित हुए थे उस दिन कही थी कि लोग मेरी बुराई भी करेंगे तो तुम जवाब नहीं दोगे, नहीं तो तुम्हें कुशील का दोष लगेगा, तुम्हें मेरा पक्ष नहीं लेना है, मेरे कर्मों की सफाई मुझे करना है, मेरे कर्म को देखा सामना मुझे करना है, समाज आपसे कुछ भी बुराई करेगी तो आप मेरे नाम पर सफाई नहीं देते फिरोगे, ये उस दिन कही थी पहले ही दिन की बात। क्या करे पार्षनाथ भी उपसर्ग आएगा, क्या करे तुम लड़ भी पहुंचे क्यों क्या करोगे, साहित्य जैन समाज लड़ भी पहुंचे क्या करे, मुझे आगे ऊपर उपसर्ग ऊपर ही से आएगी, तुम क्या करो, समता ही रखो, वासना समझ गए, कोई परद्रव मुझे हैरान करता है ये वासना है, कोई परद्रव मुझे सुखी करता है ये वासना है जी, वास मैंने रह रही है वो चीज। नमक का त्याग तो तुमने किया, कोई बात नहीं है, चरणानियों का हम बुराई नहीं करेंगे, ध्यान रखना पूरे चरणानियों को टोटमल जी साहब ने कहा है इतना किया तो शाबाश, पूरे चरणानियों का निषेध नहीं करेंगे एक भी, इतनी बढ़िया बात लिखी है, हम अज्ञानियों के भी संयम की बुरा निंदा नहीं करेंगे, हम अज्ञानियों के भी
संयम की निंदा नहीं करी। लेकिन अब लेकिन अब साधना करने की बात चली, संयताष्टक चल रहा है ये तो वासना से विरहित, क्या जैसे कल से झूम रहा हूं इसे पढ़ने के बाद, विषय नहीं, विषय तो झट छोड़ दोगे, तब जिनसे लड़ाई होगी उन्हें छोड़ दोगे, जहां अच्छा नहीं लगे वो छेद छोड़ दोगे, जिस काल में कुछ होता वो काल छोड़ दोगे, भाव छोड़ दोगे, कैसे छोड़ दोगे? द्रव्यानियों, हाँ समझ गए, द्रव्यानियों में पुरुषार्थ है, कर्णानियों में फल है, कर्णानियों में फल है, यदि तुम गेयाक्रांत हो, गेयों को जानने से इनकार करते हो, भागते हो, ये वासना पड़ी हुई है तो असंयम होगा, संकलेश होगा, तुम दुखी होगे। अमृतचंद स्वामी की भाषा में कहे थे तो मुर्दों जैसे जियोगे, मृतक कलीवर की तरह जियोगे। संयम तो अनंत आनंद का नाम है, लिखे ये देखो सहजानंदमय, जरा सोचो तो जी क्या कह रहे हैं, सहजानंदमय परमानंदमय। अभी लोग क्या लगते हो सहजानंद, हाँ तुकबंदी हुई है, सही बताना सहजानंद तुम्हें अपने संयम में दिखाई देता है? परमानंद दिखाई देता है? देखो हम क्या, तुम वर्णन करो, तुम लिखो ना इस पे, इसकी पंडित साहब ने कहा था सुमत तुम्हें आनंद लेना हो तो इनकी टीका करो, टीका करो। मैंने ज्ञान आश्रम पे टीका करी प्रवचन की उसकी, गहराई में जाना हो तो करना पड़ेगा भाई, अपना समय मत खो। क्या नाम है सहजानंद, अब हम कहेंगे तो तुम झपट के ध्रुव ध्रुव कर दे, जीता तो कहो अरे ये तो कह है, ये तो कह ही रहे ना सील की नौवाड़ पालो, लेकिन सील की नौवाड़ पालने से कर्म नहीं कटेंगे, कर्णानियों कह रहा है तो नहीं पालें, अरे नहीं पालोगे तो और बनेंगे, यदि आंख नहीं खुले तो साबास, आंख नहीं खुले तो साबास, नहीं खाओ तो साबास, नहीं बोलो तो साबास, चरणानियों कह रहे हैं मत बोलो, लेकिन बोलो तो फिर इतमित प्रिय बोलो, खाओ तो विवेक से खाओ, विचार करो, शुद्धि से रहो, चाहे जैसे तो मत रहो, सीधी सी बात है। तो अब चरणानियों बार बार हमसे जीवन हम चरणानी को व्याख्यान करें, अरे संहिता से चल रहे भैया, हमसे सहजानंद पूछो, वासना पे बहुत चोट है भैया, मेरा तो बस चले तो महीनों बोलूं घंटों बोलूं, एक वासना है, बिल्कुल सोच लियो, हम सबसे ही कह रहे, तुमसे ही कह रही हूँ समझ लो, एक वासना है, हमें कोई व्यक्ति ने आके ये नहीं कहा आज ये बात बहुत अच्छी लगी हमें, हमारे तो सुनी नहीं थी, ये तो हमें कल्याण करने के बहुत जरूरी है, जैसे हम पहले दिन से कह रहे आलोचना करने में समय लगाने वाला अनंत आनुमंदी का शिकार है, आलोचना तो हमें भी बहुत है, हम कहा कह रहे हमें कमियां, लो हम तो साफ कह रहे पहले दिन से हमें कमियां हैं, ठोक के कह रहे तुम्हें कितनी कमियां सुनना हम बता रहे चलो, लेकिन तुम्हें तुम जहां दोष मिट सकते हैं वहां देखो, जिसके आशय से दोष मिटेंगे वो देखो, जलते हुए घर में से निकलने का दृष्टांत दिया हमने, उस पर तो वजन दो, कायुसर का कितने लोगों ने विचार किया, ईमानदारी बताओ कायुसर ने, हाँ ठीक है जी आनंद आनुमंदी है, अब तुम्हारे जीवन में समता नहीं आई कैसे आ जाएगी, इतने दिनों में बहुत सारी चर्चाएं उठाई हैं हमें आनंद तब आता, भाई साहब ये तो हम सही में सही हमसे बहुत दूर जा रहे थे, आलोचना करना मृतक कलेवर के समान है, और आलोचन करके अब मैं असली आलोचना बताऊंगा, आलोचना अभी आएगी इसमें दोपहर की चर्चा में, बहुत सुंदर है आलोचना, आ मने सब ओर से और लोचन मने देखना, लोचना सब ओर से अपने को शुद्धात्मा देखो, निर्दोष देखो, अप्रभावी देखो, चारों योग से अप्रभावी देखो, कर्मों से अप्रभावी देखो, उदय से अप्रभावी देखो, यही तो सहज आनंद है, जब कुछ बिगड़ा ही नहीं तो सहज आनंद, क्या कह रहे जब कुछ बिगड़े ही तो सहज आनंद, भी नहीं करें आनंद, सहज आनंद माने
भी नहीं करे आनंद। सहजानंद का तीसरा अर्थ करो, भी नहीं सोचे आनंद। सोचना तो सहजानंद में बाधक है, ऐसे अर्थ करो। भी नहीं लिखे आनंद, भी नहीं पढ़े आनंद, भी नहीं देखे आनंद, जे वो स्वावलंबन। बताओ हम इसे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, हम पूछ रहे हैं। ये तो लिख रहे हैं सहजानंद में, परमानंद में। जे कोई मुनियादी के लिए लिखे गए पंडित साहब, कौन के लिए लिख गए थे वाली रचना? नहीं, अपन तो निचली भूमिका में है। सुनो, अपने को ही लिख गया, बिल्कुल आलोचना नहीं करना। मेरे पास तो करना ही मत, लेकिन अकेले में ही मत सोचो, जिसमें जो अच्छे गुण है उन्हें देख लो, और नहीं तो अपने दोस्त निकालने में समय लगाओ, क्योंकि जीवन थोड़ा, जग में जीवन थोड़ा, अपना काम करो भाई। मैं बिल्कुल फिर कह रहा हूँ, ये वासना है। जब डॉक्टर साहब का नाम आया तो उनकी आलोचना करने लगे, स्वामी जी का नाम आया तो उनकी आलोचना, ऐसे हैं बहुत, उनका नाम आया तो उनकी आलोचना, उनकी उनकी क्यों? बिल्कुल आलोचना नहीं करो, आलोचना जरूर करो, सब ओर से लोचन, सब ओर से दृष्टि अपनी अपने दोषों पे लगाओ व्यवहार, और सब ओर से दोषों से विरहित देखो, देखो ना, करो आलोचना, सब ओर से अपने को ज्ञायक देखो, रूप देखो। अब सहज आनंद में फिर से कहता हूँ, सहज आनंद कैसे हो गया इसमें? सहज आनंद कि सहज उसे कहते हैं जिसमें करना ना पड़े, सहज उसको कहते हैं जिसमें सोचना ना पड़े। देखो और आनंद, क्या बोला हमने? देखो, निकल ये पूछ रहा था जी, आप बार बार कह रहे आत्मा देखो, कैसे देखे, है ना, पूछ रहा था, पढ़ गया, देखने आत्मा सच्ची, कैसे कह रहे हैं ऐसे ऐसे, ए तो नहीं देखने आत्मा, अच्छा बैठ जा, पढ़ गया, ये तो सरल तो प्रवचन कर रहे, मतलब बच्चों को देखें तो फिर बहुत सरल हो जाती है भाई सहेली, फिर तुम कहो स्थूल हो, हमें तो बच्चों को पढ़ा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, यही चीज इन्हें देखेंगे तो फिर इनके हो जाएंगे, फिर मत कही। आत्मा देखने का मतलब है आत्मा समझना। तुम अपने को जैन देखो तो कैसे देखोगे? जैन कहते लिखो, जैन जैन देखो, जैन ए तुम अपने को लड़का देखो, प्रथम लड़का कैसे देखोगे? अपने कैसे देखोगे? अब देखने का मतलब होता है समझना, देखने का मतलब होता है समझना, और देखने का एक और है मानना, अनुभव करना, स्वीकार करना, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। समझेगा तो मानेगा, जानेगा तो मानेगा, इसलिए जानना माने भी देखना, और मानना माने भी देखना। देखने का मतलब ये नहीं हम तो बहुत देख रहे हैं, अरे बहुत मत देखो, एक देखिए, बहुत मत देखिए, क्या बताएं पंडित जी, विकल्प रोके तो देखे, नहीं नहीं जहां में विकल्प घुसे नहीं ऐसे देखो, घुसे ही नहीं यहां। अभी हमने क्या बोला था? सहज का अर्थ बोलो बेटे, सोचना ही नहीं पड़े, विचारना भी नहीं पड़े, कहना भी नहीं पड़े, सुनना भी नहीं पड़े, लिखना भी नहीं पड़े, सब लगा लो, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाओ तो भी सहजानंद में। हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, ठीक है, तुम्हारी सड़क पे पूछोगे तुम कहीं करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सहजानंद के लिए तो तीर्थ यात्रा की भी जरूरत नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाए और बिस्तर पे पड़े हो तो भी सहजानंद कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तीर्थ यात्रा के बिना भी सहज है। अब कठिन क्या है इसमें बता? मैं पुरुष हूं, इसमें क्या कठिन है? शरीर की तरफ से कह रहे हैं मैं पुरुष हूं, इसमें क्या कठिन है? ए प्रसन्न, तुम प्रसन्न बन जाओ, ए तुम लड़का बनो, जल्दी लड़का बनो, तो लड़का कैसे बनोगे? पंडित साहब ने इसके लिए क्या बढ़िया दृष्टांत दिया था, कभी तो अपने आप को आदमी समझो, आदमी बन के रहो भाई, कभी तो आदमी बन जा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए तो वही आदमी बन जा, याद आ गई है ना दृष्टांत, याद आ गया,
तो तुम आदमी बन जाओ, ऐसे हम तुमसे कह रहे लड़का बन जाओ, ऐसे हम कह तुम आत्मा हो, आत्मा हो। कब तक जाकर भजन लाते फिरोगे, हम 50 साल के, हम 60 किलो के, हे भगवान मुर्दे ही हो तुम, थोड़ी देर लिखो, सोचो सोचो तो। पंडित जी ने कितनी बढ़िया भजन लिखी पंक्ति, देखो देखो से शुरू हुआ, देखो अपने आप को ज्ञान स्वभावी आत्मा, जानो अपने आप को जान निहारे आत्मा। देखो जानो, देखो जानो का मतलब बोलो, समझो मानो। अरे हम जैन ही है मानो, हम रात को नहीं खाते क्योंकि हम जैन है, ये देखने का तरीका। तो देखे कैसे, आंखों से देखने, भैया हम जैन है, रात को नहीं खाते, अनशन पानी नहीं पीते, तो जैन हो गए कि नहीं हो गए? तो अपने आप को जैन देखोगे क्या मतलब है, तो मान होल्ड पुरुष तो तुम हो, मान होल्ड क्यों प्रश्न, तुम्हारी विदा कब होएगी, विदा मतलब समझे, तुम्हारी शादी होएगी, तुम डोली में बैठ के चले जाओ, कौन देना जाओ, सोचो। एक राजकुमार आएगा बारात ले के, ऊपर तुम्हें ले जाए ब्याह के, है ना? अब इसका उत्तर क्या है बोलो, है क्या उत्तर है इसका, है हमका लड़की है, अब जे है वो देखना, हम लड़का है, जे है वो देखने का मतलब हम लड़का हैं। हम विपरीत कैसे सोचें, सोचो तुम्हारी बारात जाए, विदा होगी, एक लड़का आएगा और तुम्हें धोती पहना के ले जाए, बोलो बोलो, तो ये बच्चा तत्काल मना कर देगा, क्यों मना कर देगा, ये अपने आप को लड़का देख रहा है, विपरीत विचार नहीं कर रहा है। ऐसे हम अपने को आत्मा देखते हैं, विपरीत विचार नहीं करते। सहज आनंद माने बिना विचार के ही आनंद, बिना ही करे आनंद, बिना ही देखे आनंद, बिना ही पढ़े आनंद। दृष्टांत दे दें, दृष्टांत, बेटा तुम अपने पापा के साथ बंबई गए, गए हो कहूँ नहीं गए, बंबई रेलवे स्टेशन कितनी भीड़ हो पता है, खूब भीड़ सब, इन्हें तो देख ली, और बापे लिखी थी रेल 2 घंटा लेट है, सो ऐसे बैठा गए बापे सूटकेस पे बैठा था, पेटी पे बैठे बैठा, हमारे या भाई 5 मिनट में इंडियन टाइम 5 मिनट, तब जहाँ सर जी 5 मिनट आ जी, चलो कोई बात नहीं, अब जी चले गए, इन्हें तो देख ली 2 घंटा लेट है, सो आराम से आए, सामान तो रखो, ये बच्चा बैठो, ये चोरी को कछु डर नहीं है, भी आराम से आ गए, स्वाध्याय करके आ गए, थोड़ी सामाई करके आ गए, मान लो दृष्टान है ना, कोई साधन मिल गया तो चर्चा वार्ता करके आ गए, कोई फोन पे लग गए तो कोई व्यवस्था करके आ गए, ठीक। अब जी बच्चा सोच रहा है, जी बच्चा सोच रहा है, ध्यान से सुनना बिल्कुल दृष्टान, अरे ओह 5 मिनट क्या गए थी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ओह यहाँ सुना हुए पापा हिरा गए हुए, फिर जो थोड़ा बहुत ज्ञान ही था, यहाँ सुना हुए पापा को किडनेप हो गया, हुए कोई उठा लेगा, पापा बाई दबे नहीं आए तो क्या हुई है, 1 घंटा बाद तो जो सोचने लगा, अब पापा नहीं आए टिकट उन पे, मुझे रेल चली जा रही थी, मैं जाती उसे चली गई, उसे चली गई, वो जा गई, पापा आए नहीं अभी तक, उसे नहीं पता थी कौन सी रेल है, उसी प्लेटफार्म बहुत रेल आती, अब जो देख देख परेशान, लो रेल तो आ गई, पापा आ नहीं रहे, वो चली भी गई, लो पापा आए नहीं, टिकट हम पे है नहीं, सामान उठा नहीं सकते, कहाँ होगी, कहाँ उतरेंगे, कहाँ होगी, क्यों, अब जो और लंबो लंबो सोचा तरफ, 1.5 घंटा बाद जो सोचा लगो मेरी फीस को कहाँ हुई है, जिंदगी को सवाल है, मम्मी को कहाँ हुई है, पापा और ही मर गए, अभी भयंकर रोने लगा, भयंकर भयंकर, अब तो 1.5 घंटा तक तो बड़ी, अब तो रो ही रहा भयंकर, सो पब्लिक की भीड़ जुड़ गई, कहा होगा भाई ये, कहा होगा, कहा बेटा कहा होगा, पापा एक अब 400 से भीड़ खड़ी हो गई थी, एक आदमी ने इसको उठा के ऐसे ले लिया ऊपर, ऊपर ले लिया ताकि गर्मी में पसीने नहीं हो सकते, 400 से भीड़ लग गई, ऐसे ऊपर कर लो, अब वो अभी भी यहाँ से यहाँ से देख रहा, पापा, अब दूर से पापा का भीड़ में चले आ रहे थे, इतने से पापा देखे,
पाप आकर इतना पार्ट दिखाई दिया, इतना समझ गए ऊपर ऊपर गए सर, देखते से ही क्या गए ये बताओ, बस बताओ देखते से ही आंसुओं का संबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो देखते से ही घबराहट का संबर हुआ कि नहीं हुआ। विपरीत विचार चल रहे थे डेढ़ घंटा से, उसको रोकने के लिए कहां मेहनत करना पड़ी, एक अरे बाप आ गए, बोलो कुछ करने पड़ेगा जामे श्रुति तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पापा दिख गए अब क्या करना पड़ेगा, अरे अब तो सारी समस्याओं का समाधान ही दिख गया। अब जब थोड़ी सोच रहे पापा मिल गए इजिकल टू जूते मिलेंगे, पापा मिल गए मैंने ड्रेस मिलेगी, पापा आ गए मैंने फीस मिल जाएगी, पापा आ गए मैंने मोजा दिलवा देंगे, पापा आ गए मैंने गुब्बारा मिल जाएगा, पापा आ गए मैंने खिलाएंगे पिलाएंगे, पापा मिल गए मैंने मम्मी की निश्चिंता, जी ऐसा सोचने पड़ेगा। देखते ही आहा ऐसे ही अपने को देखते ही सहजानंद, समस्त संबर को प्राप्त हो गए। एक समय में कितनी प्रकृतियों का संबर होता है, जो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक प्रकृतियां, पहली बार आत्मानुभूति हुई, आत्मा को देखा, देखा देखते ही, हाँ बोलो सबसे खतरनाक प्रकृतियां बोलो कितनी हैं, 41 प्रकृतियां धार सर ऐसा रुपये, अब बता तुम जहां नहीं देख रहे, जब ना रो रहे विचार तो करने पड़ेगा, विकल्प तो करने पड़ेगा, खाने तो पड़ेगा, त्यागने तो पड़ेगा, फला अरे तू पहले इधर देख, इसका नाम है सहजानंद में। हम सहजानंद का इतना वर्णन कर देंगे ओ ऐसे ही नहीं हो जाए तो जो सहजानंद पहले ही खत्म होगा, पहले इतने तो करो, इतने परिणाम रोको, इतनी क्रिया रोको, इतने फला रोको, और रोक के बता दे कोई माई का लाल, रोक के बता दे रोको मन वचन का, रोक के बता दे कोई जैसे जानने के पहले संबर तो ऐसे होगा जब पापा दिख गए, क्यों पापा ना दिखें, अभी भी पापा ना दिखें, कोई तो बिस्कुट दे दे, बिस्कुट मतलब शुद्ध घर की बाजार के नहीं, क्यों तुम्हें कोई गुब्बारा दे दे खिलौना दे दे तो तुम शांत हो जाओगे, बोलो बढ़िया खिलौना दे दे हवाई जहाज 5,000 रुपया को तो तुम खुश हो जाओगे, भैया अभी कुछ नहीं चाहिए एक ही चाहिए बस, बोलो बेटा हमारे संग चलो हवाई जहाज भी ले चल रहे तुम्हें, नहीं जाओगे बेटा हमारे संग एसी में रहियो हमारे घर में बढ़िया बंगला में, नहीं जाएंगे कार में चलो बेटा नहीं पापा ही तीन आएंगे हमें नहीं जाने तुम्हारे संग, देखो 5 इंद्रियों के विषय भोग सुविधाएं 1 सेकंड में छोड़ दी, पापा मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे, वे छोड़ के गए थे भी आएंगे तो यहीं आएंगे, गायक तो यहीं मिलेगा, हम नहीं जा रहे कहीं, हम नहीं जा रहे, अरे बात समझ में आ रही है, अब तो समझ में आई आत्मा सहज आनंद में, क्यों सहज है क्योंकि है, पंडित साहब ने तो इतनी बढ़िया लाइन लिखी है कि पात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है, मैं सच कहता हूँ कुछ मत पढ़ो एक लाइन पढ़ो, जैसे पापा हैं और मिल गए बस, अब क्या दिक्कत है, पहले हमने दर्शन दिए चिंतामणि का, बताओ गरीब आदमी की बिटिया की शादी होने है और लड़का वाले मांग रहे 1 करोड़, बोलो शिखर चंद जी 1 करोड़ मांग रहे अपन गरीब आदमी और बिटिया की शादी में कितने मांग रहे सम्यक 1 करोड़, कहा वो ये सोचो, बोलो हिसाब लगाओ बेटा गरीब आदमी और 1 करोड़ मांग रहे दहेज में क्या करोगे, कितनी परेशानी होगी सोचो, शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती, और इतने में ही घर में चिंतामणि मिल जाएगी, चिंतामणि बोलो क्या भाव, छोटे मेरे सामने लिखा है अवलोकन मास चिंतामणि दिखाए और तू ना देखे तो तेरे अभाग की महिमा, अवलोकन इधर कर सरल है कठिन बोलो, तो तुम अपने को आत्मा देख लोगे, जब विपरीत विचार आए नहीं हम तो आत्मा, जैसे पहले तुम कौन सा दर्शन दिया तुम्हारे लिए, हम तो लड़का है हम आपका आगू ब्याह हुई है हम का आगू जाएंगे बरात हम का आगू साड़ी पहनेंगे, बेटा रोटी बनावा सीख जाओ सास मारेगी
काकू मारेगी, हम क्या लड़की हैं क्यों, तुम्हारी मम्मी सिखा रही नहीं रोटी बनाओ का, और सास मारेगी तब चिमटा दे मिला के, तो इसको यही तो उत्तर होगा, हम कौन, ऐसे हम कौन, शरीर हैं हम तो आत्मा है। अब सारी जानन समझ गए क्या बढ़िया बढ़िया रस, अमृत है अमृत, सच कहता हूँ। तुम लोग कहते ना मैं शास्त्र नहीं पढ़ता, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ इन रचनाओं को नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने ये सोचा है मैं टीका नहीं लिख पाऊंगा तो पंडित साहब की रचनाओं को मैं अर्थ करूंगा। अब मेरा पूरे जीवन का नियम ही समझ लो कि मैं पंडित साहब की रचनाओं के अर्थ कर रहा हूँ। लोग मिलते भी हैं सुन भी रहे हैं, उन्होंने कहा भैया ये तो अर्थ हमने सोचा ही नहीं, पंडित साहब इतनी गहरी रचना लिख गए, ये है उनकी महिमा। अब आ रही लोगों को ज्ञानाष्टक के प्रवचन कई बार सुने उन्होंने अपने पवन जी ने अलीगढ़ वालों ने, समता सोर्सी के प्रवचन सुने उन्होंने, बिकले भैया बहुत अच्छा अर्थ खोल गया हमें तो, ये भिजवा किया करो, ये समाधि समय में काम आ रही। समझ में आ रही बात तो आत्मा दिखी कि नहीं दिखी, हाँ बहुत बढ़िया, दिखी कि नहीं दिखी, बहुत बढ़िया, ये नहीं है बस इतनी सी तो बात है, हम कैसी है, कितना सरल काम है बोला। और एक बात बताएं भैया, मन वचन काय को सही करने जाओगे तो जिंदगी में सुखी नहीं हो पाओगे, गारंटी है। क्यों, मिथ्या दृष्टि की देह की प्रवृत्ति कम देखी जा सकती है और सम्यक दृष्टि की देह की प्रवृत्ति ज्यादा देखी जा सकती है। तुम कहां तक आलोचना करो, कुछ कह गए हम, मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति कम और सम्यक दृष्टि की चार संज्ञाओं की प्रवृत्ति ज्यादा देखी जा सकती है। चाहे सम्यक दृष्टि जो आहार करेगा ना, हजारों मिथ्या दृष्टि मिलकर नहीं कर पे, आहार संज्ञा मैथुन संज्ञा, तुम एक दो शादी करके रोगे बैठ के ध्यान विहार करेंगे, अब बोलो तुम क्या करोगे, क्या करोगे, कहां तक कभी आलोचना में मत समय लगाओ। मैं फिर कह रहा हूं तुम केवल अपने जलते हुए घर में से निकलने की कोशिश करो, बिल्कुल आलोचना में समय मत लगाओ। मैं नहीं लगाता भैया, पूछो इनसे, तुम पूछ लो, अपने संग में रहे कभी किसी आलोचना में समय नहीं लगाते। व्हाट्सएप पे रोज मिला था आलोचना, मैं पढ़ते ही नहीं, आज दिन तक नहीं देखी मैंने बुक का कहलाती तुम्हारी, जो फेसबुक को कहा था हमें नहीं जाना था, हमने खोलते जी हमें जी। एक दिन बोले आपका मीम आया, नहीं मुझे नहीं बताया, ये आपस में बात कर रहे थे शायद, भाई साहब का मीम आया तो इतने सुनो मैंने मीम आओ, हमने कुछ नहीं पूछा, जब बता ही नहीं देता अपन का पूछो। चार से दिन बीत गए शांति से, हमने एक दिन पूछा मीम का हो, तो जिन्हें दिखाई हमारे से दो बार देखो आराम से, तीन बार देखो देखो, जिन्हें आत्मकल्याण नहीं करना भी आलोचना ही करते रहेंगे, अनंतानुबंधी है आलोचना करना। हाँ नहीं भैया बिल्कुल, अरे सारी दुनिया फैल हो जाए हमारे का बिगड़े हो, लेकिन हम फैल हो गए तो बहुत बिगड़े हो, सबने जहर खाओ तो हम लोग कहा बिगड़े, लेकिन हमने जहर खाओ नहीं भैया, कसम खाओ, सच कह रहे कसम खाओ, अपनी ओर देखो अपनी ओर देखो, क्या सुंदर है विषय वासना, मतलब समझ गए, पांच इंद्र के विषय अब एक एक लिख के रखो, अब तो इन्हें तो छोड़ देते हो लेकिन वासना नहीं छोड़ पाते। टोटो मजी साहब ने लिखा है ये रस परित्याग आदि करता है लेकिन वासना बनी रहती है, अब बंद है सो तो अभिप्राय की वासना का फल लगता है, क्या लिखा है, फल तो अभिप्राय की वासना का लगता है, क्रियाओं का तो कोई बंद होता नहीं था, इसका मतलब क्रिया छोड़ा नहीं रहा यार, क्रिया में लापरवाह है हुआ जी, हम पे हमें से बार बार मत कहलाना भैया, मतलब नहीं हमें बहुत दुख लगता है जब हमसे लोग कहते हैं आप द्रव्य भजन मत दो, क्रिया और भजन दो, क्या उदय हम, तुमने हमारे जीवन को शिथिलाचार देखा है, सब लोग हमसे थर्राते ये क्रियाकांडी है, वे क्रियाकांडी कह रहे हैं हमें, हम पूरी दुनिया में गए बिना राख के बर्तन मंजे नहीं खाए हमने आज तक, मुझे बहुत तकलीफ होती है हमसे आके पूछ रहे तो से नहीं पूछो, अरे कोई शुद्धात्मा की बात पुष्ट होने दो भाई, अमृत है इसके बिना कर्म कैसे कटेंगे,
आलोचना का तो बता ही दिए, चौथे गुण स्थान पर थी और ज्यादा प्रवृत्ति दिखाई देगी, अब क्या करोगे बोलो? समता के लिए उपाय बता दें, किसी का भी जीवन देखकर ये सोचो कोई सियादवाद होगा, कोई विवक्षा होगी, उस विवक्षा को समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आए तो पढ़ो, पूछ लो, विनयवान होकर पूछे। क्या लिखा है? विनयवान होकर, मुझे इस बात का बहुत दुख है, हमारे निकटवर्ती पीठ पीछे बातें करेंगे, प्रसिद्ध दुनिया में करेंगे, इधर की नहीं कह रहा हूँ, सारे देश में स्थिति है। अब एक भैया आए अभी वहाँ पर सोनगढ़ में, हमें कहा भैया तुम भी हमारे बारे में ऐसे बोलोगे, वो अभी ऑनलाइन, अरे हमें पूछ लेते, समय सिंह जी का क्या प्रकरण है, क्यों बन रहा है, क्या बना रहे, तो पूछ ले, हमका तुम नहीं बताएंगे कोई बात, पीठ पीछे इनसे इनसे पूछेंगे, एक एक दो को पकड़ कर, भाई साहब का कहते हैं हमारी का बुराई कर, अरे का करेंगे बुराई, माँ मूर्ख है जो पीठ पीछे कोई बुराई करे, क्यों अपना टाइम खराब करना है क्या? मुझे इससे फुर्सत नहीं है, सही कह रहा हूँ, रियल कह रहा हूँ, इससे फुर्सत नहीं, कितनी सुंदर रचना बोलो, आनंद लेंगे, सारे विश्व में क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब, इतना भी विचलित हो गए प्रवचन जी कह रहे हैं हम, अब फिर से सुन लो इसको बिल्कुल, विषय वासना से विरहित, क्या बोले? विषय, अब पांच इंद्रिय के विषय लिखो, आप उनकी वासना लिखो, अब वासना को हम कहेंगे कर्तत्व, भोक्तत्व, एकत्व, ममत्व, ये वासना है, जाए तो तोड़त नहीं है, हम बहुत गुस्सा करत तो गुस्सा करत हो, कह लिया कोई बात नहीं, कर्तत्व की वासना तो तोड़ो, जी हमें बहुत हैरान करत भाई इनके संग नहीं रह पे, ठीक है बोल दिया कोई बात नहीं, चरणानियों की शैली में बोल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्णय तो करो, क्या ये हैरान कर सकती है, उदय के बिना हैरान कर सकते, निमित्त हो सकते हैं, और सुनो द्रव्यानियोग, तुम दुखी नहीं हो तो क्या ये निमित्त बन सकते, द्रव्यानियोग निमित्त उपादान, यदि हम नहीं दुखी हुए तो कौन दुखी में निमित्त बनेगा, सोचो तो ऐसे विज्ञान करो, हमारे संग रहने लगो, बस सबसे बड़ी जवाब है, देखो बहुत अच्छे, हम ये कभी कह ही नहीं रहे कि बुरी क्रिया करो, कौन महापापी होगा जो बुरी क्रिया करने का उपदेश देगा, हम तो ये कह रहे आलोचना मत करो, अपना काम करो बस, यदि हमें लगता है हमारे ये मन वचन काय में गलती है तो सही करो, अपनी जिम्मेदारी लो ना, हमने कल क्या कहा था, पहले दिन कही थी, परसों नरसों, अपने परिणामों की जिम्मेदारी लो बस, दूसरों के परिणामों की जिम्मेदारी मत लो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे वचन खराब है तो सही कर लो, तुम्हारे मन खराब है तो सही करो, और खान पान गलत है तो सही खाओ, तुम्हें लगता है व्यापार गलत है तो सही करो, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ करेक्शन, सेल्फ करेक्शन करो, करो, हमारे सामने भी वही सब स्थिति थी, मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता था ना, तो पूरा माहौल ऐसा था कि लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, बंक मार जाते थे, लड़कों को पहले कह देते कल मैं नहीं आऊँगा, तीन दिन नहीं आऊँगा, बच्चे आते ही नहीं थे, ऐसे कर कर आके और तनख्वाह पूरी लेते थे और आते नहीं थे पढ़ाने को, तो उनके अब माहौल रहता ना, तो एक दो बार अपने को भी ऐसे भाव हो गए, हम अपनी बात कह रहे हमारे भाव हो गए, लेकिन फिर जो धारा चली अंदर, कहीं नोटिस आया होगा तो, कहीं प्रिंसिपल ने पूछा होगा तो, कहीं बच्चा कोई तो पहुंच गया होगा तो, और तो बहुत परेशान हुई, बहुत अंदर अंदर आकुलता हुई, बहुत ही महंगा, कहीं कुछ हो गया तो इज्जत का क्या होगा, फला का क्या होगा, प्रिंसिपल डांटेंगे, फला होगा, फिर पूरा पूरा चलता रहे, अपन काहे के धर्मात्मा, काहे के भाभी भगवान, अपन जी अनैतिकता कर रहे, इतनी अच्छी तनख्वाह दे रहे सरकार, अपन क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्यों इतनी लड़ाई चली, तीन दिन तक चैन नहीं पड़ी हमने, अब इतनी आकुलता हुई, नींद नहीं आ रही, हम अगले दिन गए कॉलेज में, ऊपर प्रिंसिपल के कमरे में गए सीधे सीधे, सर आई एम सॉरी, बोले क्या हो गया? सर मैं कल आपको इंटीमेट नहीं कर पाया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, और मैं आया भी नहीं था, और छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं दी थी, सर एप्लीकेशन कल की छुट्टी की, परसों की छुट्टी की एप्लीकेशन, तो बोले अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो नहीं पता सब ऐसे ही करते,
तो मैंने क्या बोला था पता है, एक चोर दूसरे चोर से अनुमति लेकर यदि गलती काम करे तो साहूकार नहीं हो जाता। समझ गया है? एक चोर, तुम भी प्रिंसिपल, तुम भी सरकारी आदमी, तुम्हारा कहाँ जा रहा, वो जाए पढ़ाए नहीं पढ़ाए तुम्हें भी कहाँ पर पढ़ रहा। एक चोर दूसरे चोर से अनुमति लेकर यदि काम कर भी ले, उन्हें हमें अनुमति दे रखी थी, तुम चाहो तो छुट्टी मत लेना, एक आध महीना चले आ, कह दिया था मुझसे, हाँ कह दिया था। लेकिन हमने एक दिन भी मक्कारी नहीं करी। क्यों? मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी, क्या एक भावी सिद्ध मिथ्या दृष्टि के सामने सॉरी फेस से सामना करेगा? मैंने लिखा था लेटर में, आई विल नेवर फेस यू विथ सॉरी फेस। मैंने कहा एक भावी सिद्ध की आत्मा घुट रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ मैं गलती होती थी तीन तीन दिन मुझे ऐसे लगते थे, उस दिन से प्रतिज्ञा है गलत काम नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, हम परिणाम गिर जाते, परिणाम गिर जाते, परिणाम गिर जाते, हम बाकी तो सही है, परिणाम गिर नहीं लड़ो, चारों नियोग से मारो उसको, तुम विकारों को मारो नहीं तो विकार तुम्हारी प्रभुता को मारेगा, तुम विकारों को मारो नहीं तो वो तुम्हारी शुद्धता को मारेगा, मारो भिड़ के। हम इसलिए अपनी बातें नहीं बताती, पंडित साहब ने एक बार कही थी, आत्मप्रशंसा के दोष लगता है, अपने मुंह से अपनी बातें बताना अच्छा नहीं है, आत्मप्रशंसा का दोष लगता है। मैंने पंडित साहब से पूछा, आप स्वामी जी की संस्मरण सुनाओ, बोले नहीं सुनाए, मैंने प्रवचन में तो बता देते, हमें सुनावे में कह रहे, नहीं बेटे आत्मप्रशंसा का दोष लगता है, पंडित साहब ने एक भी संस्मरण नहीं सुनाया, अलग सर पूछा, लो कितने सावधान थे, आत्मप्रशंसा से बचते थे। जय है पंडित साहब की असली तस्वीर, संयत का लक्षण है पंडित साहब, सोचो भी नहीं भैया। फिर कह दिया, यदि निर्दोष देखना है तो इसको देखो, इसे निर्दोष मत देखो, अधिक भाव को निर्दोष मत देखो, मत देखो मत देखो, अरे 80% से ही पास हो गए तो 20% से फैलो, ये देखो 90% से पास होगा तो 10% से फैलो, अभी भी देखो इस 10% को भी कैसे दूर करें, ये सोचो, अपनी बुद्धि बाहर मत लगाओ, अपने में लगाओ। संहिता क्या? सहजानंद में, परमानंद में, तो अभी तरह सोचो ना, सहज का नहीं हो रहा हमें आनंद, हमें सहज आनंद क्यों नहीं हो रहा? तुम तो कह रहे हमारा आचरण अच्छा है तो फिर आनंद तो होना चाहिए ना, जब तुम कह रहे हमारा मन वचन का हमने सुधार ली 20 साल में 30 साल में तो फिर आनंद आना चाहिए। सहजानंद को अब चारों नियम से घटाने की इच्छा होती है ना? चारों नियोग से, चरणानियोग में बोलो, प्रथमानियोग में बोलो, आहार मिले तो भी सहज आनंद, नहीं मिले तो भी सहज आनंद, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, बहु अवसर हो तो भी सहज आनंद, और नहीं हो तो भी सहज आनंद, कितने बनेंगे कितने नहीं बोलो। तीन दिन के लिए चंदन वाला को बंद कर दिया, ठीक, तीन दिन मंदिर भी तो नहीं जा पाए, सुनो मंदिर जाते तो भी सहज आनंद, और नहीं जा पाए घटाओ, अपन ओ अब मंदिर नहीं जा पाए, अब मंदिर नहीं जा पाए, अरे रोने से कौन सा मंदिर मिला, रोने से कौन सा मंदिर मिला, अकलंग निकलंग पढ़ने के लिए बौद्धों के मठ में गए, बौद्धों के मठ में तो माता पिता ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न सुनोगे तो तुम ताज्जुब करोगे, पढ़ो। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बेटा फिर देव दर्शन का क्या होगा, ये पूछा देव दर्शन का क्या होगा तुम्हारे, फिर रोज मंदिर कैसे मिलेगा वहां तुम्हें, छने पानी का क्या होगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी और बुद्धम शरणम गच्छामि बोलना पड़ेगा तुम्हें, और रात्रि भोजन भी होगा वहां, अनछना पानी का भोजन बनेगा, क्या करोगे तुम, इतने प्रश्न पूछे। हाँ?
घास पे खेलना पड़ा था वहां, क्यों? ये एक इंद्र की दया पालते हैं, पकड़े जाते फौरन। अब इतनी बड़ी बड़ी उत्तर है उसमें, कथानक में पढ़ लेना, अभी हम पूरे नहीं सुनाएंगे। दर्शन का क्या होगा? देव दर्शन की पूर्णता तो आत्म दर्शन में हो जाती है, तो उसकी कमी कैसे रहेगी? क्या बोला? देव दर्शन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? आत्म दर्शन करने को कौन रोक सकता है? बाहर में देव प्रतिमा ना भी देखेगी तो हमारे ज्ञान का गेय में कौन रोक सकता है? हमारे ज्ञान में हम आत्मानुभव करेंगे, हमारे देव दर्शन का प्रयोजन पूरा हो जाएगा। देव दर्शन प्रयोजन नहीं है, देव दर्शन का प्रयोजन आत्मदर्शन है। भजन तो दो जाना इस पर, रूढ़ी क्रिया पे भजन देंगे तो मंदिर नहीं गए और यहां से गए मंदिर, चलो रूढ़ी खा ली गाय, नहीं तो रेतियात नाइंगे बुंदेलखंडी सब क्या रेतियात नाइंगे रूढ़ी। अच्छा क्यों बिना मंदिर रूढ़ी खाई कैसा लगा? और ऐसे करें आप, हमारे संग में ये लोग रेल में चलते हैं, सो मंदिर नहीं मिलते जब तक, तो बेचारे टकटकी टकटकी ऐसे करते, कहाँ कहीं मंदिर दिख जाए, कहीं मंदिर दिख जाए, करा दें। फिर एक मानस तम दिख गो, बस देखती अब खा अब कोई नहीं, बस देख वाला बस, अब रोटी खाने में आपत्ति नहीं, ठीक है, लोग व्यवहार है, हम नहीं मना कर रहे, ठीक है करते रहो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा सोचो तो, रोटी खाने के लिए देव दर्शन करना चाहते थे या देव दर्शन से आत्म दर्शन करना? अब भजन तुम गाओगे, भजन में गा दोगे, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सदगुरु वचन सुहाए, तो करो ना भाई। क्या एक आध दिन आके कहो तो भाई साहब इतने दिन मंदिर दर्शन पूजन सब कर रहे रूढ़ी में जा रहे, एक दिन भी वो काम नहीं हुआ, कहो तो। जय प्रतिक्रमण, अब जय प्रतिक्रमण हो ही नहीं रहा, हमारा मन खराब होगा, हमारा वचन खराब होगा, हमारा काय खराब हो गई, हमारी फला खराब हो गई, हमारा उनसे बोलते चालती बंद हो गई, बस ये तो बोलो। इतने दिन हम हॉस्पिटल में भर्ती रहे लेकिन इलाज नहीं हुआ, इतने दिन मंदिर में रहते हो गए, आते जाते हो गए, पूजा पाठ करते हो गए, पंडित साहब की सेवा करते हुए हो गए, लेकिन हमारी वासना नहीं मिटी, विषय वासना हो, वासना का एक गंदा अर्थ लगाते वो ही नहीं है, पांच इंद्रिय के विषयों की वासना, वासना का अर्थ बोलो एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व। कर्तत्व में बहुत बड़ी बात आ गई थी, हमें दुखी कर दे, ये कर्म हमें दुखी कर दे, गरीबी हमें दुखी कर दे, अच्छे भोजन सुखी कर दे, जे कर्तत्व। जय वासना बिल्कुल कूट के भरी पड़ी है बिल्कुल, जैसे अच्छे भोजन करो आज का दिवस अच्छे भोजन नहीं मिलो, कहा बताए भैया, एक दिन की बात होता अपन रामायण में रह जाओ भाई, उड़दन की दाल दृष्टान थे भैया, हमें पता नहीं भाई, लोकिया भाई रोटी बस खा लियो खाए, अरे खाओ अमृत बन जाए, अमृत बन जाए, हर्ष से खाओ हर्ष से। ध्यान रखना पर पदार्थों से कोई स्वस्थ नहीं होता और बीमार नहीं होता, जल्दी बोल गए क्या कह रहे, पर पदार्थों से कोई बीमार नहीं होता। तुम पानी अकेला पी लो, पंडित साहब ने मुझे कहा था बेटा आज तो तुम हमारे पास आ गए, उस दिन हम आए थे वो तो बहुत बीमार आए थे, फिर आज पंडित साहब के चरणों में आते थे सही होने शुरू हो गए, छः दिन में बिल्कुल सही हो गए, बेटा आज तो हम हैं, तुमने पूछ ले हम नहीं होंगे तो क्या करो, हमने पंडित साहब आप बताओ क्या करें। बोले बेटा कछु समझ में नहीं आए तो कछु मत खाइयो, बस भगवान का नाम लेकर समता रख के पानी पी लेना इलाज हो जाएगा, बस समता रखना अपने आप ही पेट साफ हो जाए, विकार अपने आप निकल चले जाए, खावी की आकुलता मत करियो, पानी भर तुम पी लेना, भगवान का नाम लेना, समता रखना, भक्ति रखना, बस हो जाए इलाज हो जाए। वो बिल्कुल सही निकली ये बात, सही है बिल्कुल ये बात, समता सबसे कठिन काम है, अनंत पुरुषार्थ का काम है, अनंत पुरुषार्थ कह रहे अनंत देखो का है? सबसे सरल काम बता रहे और कितना कठिन है देखियो बेटे,
तो हम एक किशमिश एक घंटा चूस सके? बता कौन ताकतवर है? आज चूसी हुई एक एक किशमिश एक घंटा रखने, और आपको पता नहीं है आप 100 ग्राम किशमिश खाते हो लेकिन उसमें से 2 किशमिश काम आती है, बाकी बेकार जाती है। बिल्कुल प्रयोग हो गया, आप करके देख लें। कोई कोई चक्कर आ रहे हो सुबह सुबह गर्मी के दिन है, पित्त भड़क रहे हो, कछु हो चक्कर आ रहे हैं, अंधेरों देख रहा हो, और काम करने हैं अपन, अब करें क्या? कहाँ जाए डॉक्टर के पास? कछु मत करो, केवल 2 किशमिश मुँह में दवाई लो, आधा घंटा में चक्कर खत्म, अंधेरा खत्म, सब खत्म, पूरी एनर्जी आ जाएगी यार। लेकिन सबसे कठिन है जो सबसे कठिन है, हम एक मिनट में 10-12 मिनट, एक मिनट में 10-12 मिनट देख लेना, करके देख लेना। जैसे तुम चूसना कठिन पुरुषार्थ है ना तुम्हारे लिए, ऐसे ही एक गाय का घोलन अनंत पुरुषार्थ है। हम लिख सकत, पढ़ सकत, दौड़ सकत, लड़ सकत, पूजा कर सकत, पाठ कर सकत, त्याग कर सकत, व्रत उपवास कर सकत, दान दे सकत, सब कुछ कर, वो सरल है। और ये गाय पे रुके रहना, आप समझ में आए अनंत पुरुषार्थ क्या है? अभी हम तुम्हें झट मोटिवेट कर दें तो पूजा करने लगो, विधान करने लगो, सब कर लोगे, और हम कहेंगे गाय पर तो कुछ दिखाता ही तो नहीं है, समझ गए? इसलिए अनंत पुरुषार्थ है गायक, और इसीलिए अनंत बार चर्चा करोगे तब उसका कुछ भाग रस प्रकट होगा। जो गायक की मस्ती से चर्चा नहीं करते, ऊर्ध नहीं करते, उनके दर्शन मोहिनी का आकर्षण तक नहीं होता। सुन ले पूरी बात करनानियों की, फिर से बोलूं क्या कह रहे हैं? जो गायक को ऊर्ध रख करके ध्रुव स्वभाव को, भगवान आत्मा को, अकर्ता को, नाम कछु भी ले लो, परिपूर्ण जो तुम्हें कहना हो, शुद्ध आत्मा को, निज आत्मा को, कछु भी कह लो, इसकी मस्ती तुम्हें जब तक नहीं चढ़ती और इसका ही पक्ष बना रहता है, दर्शन मोहिनी के अपकर्षण अधिक नहीं होते। और यदि इसकी खुमारी हो तो अंतर्मूर्त में 70 कोड़ा कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी होती है। करनानी हो पढ़ो, 5 लब्धियां पढ़ो, 5 हमारी बात। हाँ क्या बोला? बोलो बेटे, छोड़ने फिर टाइम हो गया, हम तो अभी अब वासना में खूब लगाओ, अब तुम्हें लगा, हमने तो बता दी 4 अनियों से खूब लगाओ, कुछ होत तो है ही नहीं, इतने प्रवचन में से कुछ होत तो ही नहीं है। तो श्रीमद जी को भी यही पूछा था, इतने पढ़ विषय में से क्या फायदा? तो उन्होंने एक शब्द लिखा, जरा सा शब्द माने 3 शब्द, कर विचार तो पाओ। नहीं विचार करोगे, ये होमवर्क, होमवर्क माने विचार, कहा और फालतू बातें वही तो उपयोग लगा रहे, जाम लगाओ ना, विचार करना भाई। ओम
रहेगी जैसे यहाँ कल्चर रहेगी, और